गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंधु नदी के बारे में, जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, कहाँ आकर मिलती है, इसके बारे में हमने देखा था। उसके बारे में और डिटेल हम लोग देखेंगे, लेकिन गंगा का जो मैदान है, हम मैदानी क्षेत्र देख रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र कितनी नदियों से बनता है, कहाँ कहाँ से बनता है, कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है। हमने सिंधु नदी के बारे में देखा है कि कौन सा द्वाब कहाँ बनता है, किस द्वाब को क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच का जो भी अंतर है उसे हम लोग द्वाब कहते हैं। ये सब हम लोगों ने देखा है। इससे पहले कि हम गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र कौन सा है, क्या है, मैप के ऊपर देखें, हम लोग पहले गंगा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। भारत में इसे भगवान जैसे पूजा जाता है, ये भी हम लोगों को पता है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी जिन एरिया में से गुजरती है उन एरिया में से बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत सारे गुण अपने अंदर ले लेती है और वो आगे आके बहती रहती है। जैसे ही भक्तगण जाते हैं तो गंगा नदी का पानी भर भर कर लाते हैं अपने साथ में, उसमें कितने कितने साल कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, क्योंकि वो अपने आप में खुद को प्यूरिफाई करती है, अपने आप में खुद को प्यूरिफाई करती है, वो खुद में अपने आप में वो कभी कोई बैक्टीरिया फैलने ही नहीं देती, उसमें वैसे गुण है। तो ये गंगा नदी जो है वो 2525 किलोमीटर लंबी है, 2525 किलोमीटर। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, भारत से गुजरते हुए ये इसका जो उगम है, इसका जो ओरिजिन है, गंगा नदी का जो ओरिजिन है वो उत्तराखंड से होता है, यानी कि भारत से होता है और भारत से गुजरते हुए बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में वो गिर जाती है। इतना इजी नहीं है कि उत्तराखंड से निकलती है, यानी कि भारत से निकलती है, भारत से निकल कर वो चली जाती है बांग्लादेश में, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बीच में बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जिनका कुछ जो बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, जिनका एक अपना महत्व है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जो उससे आकर मिलती है। तो ये गंगा नदी तंत्र है, मैंने कल ही समझाया था तंत्र का मतलब क्या है। नदी तंत्र का मतलब है कि एक नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, उसे नदी का तंत्र कहते हैं। ये गंगा नदी तंत्र जो है वो बहुत बड़ा है कंपेरेटिवली, मैंने बताया कि सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और ये गंगा नदी तंत्र, ये तीन नदियां हैं जो भारत का जो मैदानी प्रदेश है हमें इनके हिसाब से देखना है। तो सिंधु नदी का तंत्र हमने देखा बहुत बड़ा नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी हम देखेंगे बहुत बड़ा नहीं है, कंपेरेटिवली गंगा नदी का अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा है। पढ़ाई करने के लिए गंगा नदी तंत्र बहुत ही बड़ा है, तो मैंने इसे टोटली एक इसमें कवर करने की कोशिश की है। अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगी, आराम से हम लोग ये सब समझेंगे। देखिए गंगा नदी जो है इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया है और इसमें जो डॉल्फिन पाए जाते हैं उन डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, क्योंकि गंगा नदी हमारे भारत में बहुत महत्व रखती है, इसलिए इसे इसका जो है इसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया है और इसके अंदर पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव बोलकर भी घोषित किया गया है। देखिए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वो उसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है। पहली सबसे मेन बात यह है कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो स्टार्टिंग में जहाँ से निकलती है वो एज गंगा नहीं निकलती, द गंगा जो है वो स्टार्टिंग में गंगा बोल के नहीं निकलती है। वो कैसे निकलती है, उसका क्या नाम है हमारे गंगा नदी का, पहले भागीरथी के नाम से उसका ओरिजिन होता है। हमने देखा है भागीरथी कहाँ से, हम पुराणों में भी हमें पता है भागीरथी कहाँ से निकलती है, हमको ये सब कुछ पता है। तो ये जो भागीरथी नदी है ये उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। पहले भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से निकलती है उत्तराखंड के, वहीं से कौन सी नदी निकल रही है, भागीरथी। और इधर कहाँ से, उत्तराखंड से ही संतोपद ग्लेशियर है, संतोपद ग्लेशियर में से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी, जो बद्रीनाथ का मंदिर है वहीं पे
बसा हुआ है अलकनंदा नदी के पास में। तो वहां से ये नदी कहां से निकल रही है? संतोपन ग्लेशियर से निकल रही है। कौन सी? अलकनंदा। इधर से कौन सी आ रही है? भागीरथी नदी आ रही है। तो गंगोत्री से भागीरथी नदी और संतोपन से अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियां मिलती है कहां पे? देवप्रयाग में। वहां जब वो मिलती है तो वहां पे एक नया नाम उसे दिया जाता है, उसका नाम है गंगा नदी। अब गंगा नदी स्टार्ट होने के पहले उसकी बहुत सारी हिस्ट्री है। डायरेक्टली दो नदियां मिल रही है, भागीरथी और गंगा, सॉरी भागीरथी और अलकनंदा, और गंगा बन गई, ऐसा नहीं है। इधर से तो डायरेक्टली भागीरथी आ रही है, कहां से? गंगोत्री से। लेकिन संतोपन से जैसे भी अलकनंदा निकलती है तो अलकनंदा में बहुत सारी नदियां आकर फिर से उसमें मिलती है, और जैसे ही वो उसमें मिलती है फिर से अलकनंदा के साथ में वो आगे चल पड़ती है। तो कहां कहां कौन सी नदियां मिलती है? पहले अलकनंदा में धौली गंगा नदी आकर मिलती है, वो जहां पर मिलती है उसे क्या नाम दिया गया है? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब ही संगम है, प्रयाग मतलब संगम। तो यहाँ की कौन सी नदी का संगम हो रहा है? धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम हो रहा है विष्णु प्रयाग में। तो वहां से फिर से वो अलकनंदा आगे आ रही है। फिर से यहाँ एक नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी कहाँ आकर मिल रही है? जहां आकर मिलती है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है नंद प्रयाग। नंद के वहां पे, नंद प्रयाग में कौन से नदियों का संगम हो रहा है? नंदाकिनी और अलकनंदा। तो उसे नंद प्रयाग कहा गया है। उसके आगे जैसे ही मंदाकिनी आगे बढ़ती है, सॉरी अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो अलकनंदा में वापस पिंडार नदी मिलती है आकर। जहां पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलती है वहां के संगम को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। उन दोनों का संगम कहां होता है? कर्ण प्रयाग में होता है। अब एक सवाल सबको ये आएगा, कोई भी नदी अलकनंदा को मिल रही है, आगे उसका नाम अलकनंदा ही होते जा रहा है, ऐसा क्यों? तो जिस भी नदी का नाम आगे दिया जाता है उसका मतलब है जहां भी दो नदियों का संगम होता है वहां पे पहले देखते हैं कि किसकी हाइट ज्यादा है, कौन सी नदी की हाइट ज्यादा है। सपोज अभी इधर से अलकनंदा है और इधर से कोई कौन सी जैसे पिंडा नदी मिल रही है, तो जहां वो मिलती है वहां हाइट किसकी ज्यादा है वो देखते, जिसकी हाइट ज्यादा है उसका नाम आगे चलता है, जिसकी हाइट ज्यादा है उसका नाम, उनका जो पानी की जो क्या बोलते हैं हाइट ही समझ लो ना, तो उसका नाम दिया जाता है। तो जैसे कौन सी नदियां मिलती है अलकनंदा को? धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में, पिंडार नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में, और वैसे ही आगे कंटिन्यू अलकनंदा बहती आगे आती है। इधर से केदारनाथ से और एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। वो मंदाकिनी और अलकनंदा फिर से एक जगह पर मिलती है, उसका वो कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती है? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। और उसके बाद बहते बहते ये नदी देवप्रयाग में आती है, वहीं पे भागीरथी भी देवप्रयाग में, मतलब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती है। और वहां से इसका आगे एक नया नाम इसको दिया गया है, और वो नाम है जो हमारी पवित्र शुद्ध गंगा, गंगा का नाम इस नदी को आगे दिया गया है। अब जैसे ही ये नदी आगे आगे बढ़ती है बहुत सारी सहायक नदियां उसको आकर मिलती है। कोई भी नदी हो, बहुत बड़ी नदी है तो उसकी सहायक नदियां तो होंगी। किसी का अगर परिवार बहुत बड़ा है तो बहुत सारी शाखाएं होंगी, फूफा होंगे, मामा होंगे, चाचा होंगे, जितना बड़ा परिवार का नाम है उतनी ज्यादा शाखाएं होंगी। तो गंगा नदी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो उसकी शाखाएं भी बहुत सारी होंगी, उसकी सहायक नदियां भी बहुत सारी होंगी। तो कौन कौन सी नदियां कैसे कैसे मिलती है ये हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसके पहले एक बार एक रिविजन पीछे हम डाल देते हैं। गंगोत्री कहां से निकली है? गंगोत्री उत्तराखंड के गोमुख से, भागीरथी नदी गंगोत्री से, गंगोत्री कहां है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के गोमुख से भागीरथी नदी निकली है, वो इधर देवप्रयाग में आकर जैसे आई है, और इधर से अलकनंदा नदी निकली है। अलकनंदा को भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में, और मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में, जो मंदाकिनी केदारनाथ से निकल कर इधर अलकनंदा को मिली है। और ये अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती है, वहीं से आगे उसे
गंगा का नाम दिया जाता है। अभी गंगा नदी, जैसे ही पहले गंगा नदी पहाड़ों से बह रही थी, यहाँ तक कहाँ तक, देवप्रयाग में, देवप्रयाग तक जैसे ही वो आई, गंगा बनी, तब तक वो पहाड़ों से बह रही थी, कोई मैदानी प्रदेश में वो उसका एंटर नहीं हुआ था। अभी ये गंगा नदी जो है ये अभी फर्स्ट टाइम मैदानी भाग में एंटर करने जा रही है। कहाँ करती है वो एंटर मैदानी भाग में? हरिद्वार में। हरिद्वार में जैसे ही वो प्रवेश करती है, हरिद्वार में पूरा मैदानी भाग है, पूरा समतल एरिया है, वहां पे वो प्रवेश करती है हरिद्वार में। उसके बाद आगे कन्नौज में जैसे ही वो जाती है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज में जाती है, तो कन्नौज में उसको एक नदी मिलती है आकर, रामगंगा। ये रामगंगा जो है ये हमारे गंगा की पहली सहायक नदी है। गंगा की अलकनंदा की थी, वो अलग से थी, लेकिन जैसे ही इसका नाम गंगा हुआ है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा हुआ है, उसके बाद पहली सहायक नदी जो है वो है रामगंगा। कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आकर मिलती है वो, कन्नौज में आकर गंगा से मिलती है रामगंगा। तो ये पक्का याद रख लीजिए कि गंगा की जो पहली सहायक नदी है वो है रामगंगा। उसके बाद आगे प्रयागराज में, प्रयागराज में एक और नदी गंगा को आकर मिलती है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी है? यमुना नदी। प्रयागराज में यमुना नदी आकर मिलती है। एक और नदी है, हम है ही बोलेंगे क्योंकि वो अभी विलुप्त तो हो गई है, लेकिन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों का संगम है। अभी सरस्वती नदी विलुप्त तो हो गई है, वो अभी नहीं दिख रही है हम लोगों को। तो वो जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकल रही है? वो यमुनोत्री, बंदरपूंछ, हमने बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं ली थी, कौन से इसमें ली थी? जब हम हिमालय, जब हमने हिमालय पढ़ा है, इसके पहले के कुछ एक लेक्चर के पहले, पाँच छः लेक्चर्स के पहले, जब भी मैंने आप लोगों को ये सब पढ़ाया था हिमालय, उसमें मैंने बहुत सारी श्रृंखलाएं ली थी, उसमें मैंने बंदरपूंछ का भी नाम लिया था। गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब छोटे छोटे पर्वत थे, उसका नाम मैंने लिया था। तो ये अभी हमें यहाँ काम में आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे के वीडियो देख लीजिए हिमालय के, शायद यस हिमालय के पाठ में मैंने ये सब कुछ बताया था। तो यमुनोत्री से, बंदरपूंछ में यमुनोत्री से ये क्या निकल रहा है? क्या निकल रही है? यमुना नदी निकल रही है। और ये यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे ही यमुना नदी बंदरपूंछ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, तो वो निकलते समय उसको और भी कुछ सहायक नदियां हैं जो उसे आकर मिलती हैं। पहले यमुना नदी को कौन सी नदियां मिल रही हैं? यमुना नदी को चंबल नदी मिल रही है। कहाँ मिल रही है चंबल नदी? मध्य प्रदेश इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में चंबल नदी यमुना नदी को आकर मिलती है, जो घड़ियाल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहां घड़ियाल पाए जाते हैं इंदौर में चंबल नदी में। उसके बाद चंबल नदी जाकर यमुना को मिलती है, वैसे ही यमुना आगे चलती फिर बेतवा नदी आकर उसको फिर से मध्य प्रदेश में ही विंध्य पर्वत से निकलती है बेतवा नदी, फिर से वो यमुना में मिलती है और फिर से वो आगे निकल पड़ती है। फिर यमुना नदी में कैमूर पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में ही कैमूर पहाड़ी से एक केन नदी निकलती है, वो भी यमुना को जाकर मिलती है। इस तरह से यमुनोत्री में से यमुना नदी निकलती है, तीन सहायक नदियों को, मध्य प्रदेश में तीन सहायक नदियां अलग अलग यमुना को मिलती है, और वो यमुना नदी प्रयागराज में किससे मिल रही है? गंगा से मिल रही है। इसी यमुना नदी को जब हम पुराण देखते हैं, कुछ मराठी सॉन्ग्स है, भजन है, सॉन्ग्स बोलने की बजाय मैं भजन बोलना ज्यादा पसंद करूंगी, कुछ मराठी भजन है जिसमें यमुना नदी का उल्लेख कौन से नदी के नाम से किया है? कालिंदी नदी के नाम से किया है। कुछ मराठी भजन है, कालिंदीचा नदी तटी, कालिंदीचा नदी तीरी, ऐसे बहुत सारे भजन है जिसमें कालिंदी का नाम यूज किया है। और हमें पता है कृष्ण भगवान यमुना नदी के किनारे खेलकर बड़े हुए हैं, कृष्ण भगवान, तो इस यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है, इसे यहाँ पे प्रयागराज नाम दिया गया है। प्रयागराज में किन दो नदियों का संगम है? गंगा और यमुना, सरस्वती भी है लेकिन अभी वो विलुप्त है, मैं थी ऐसा नहीं बोलूंगी, है लेकिन अभी वो विलुप्त है। जैसे ही आगे गंगा नदी बढ़ती है, यमुना सहायक नदी आकर इसे मिली है, आगे फिर से गंगा नदी बढ़ती है, कहाँ जा रही है वो?
गाजीपुर में, जैसे ही गाजीपुर